डुंगरगढ़ के सभी समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं श्री डुंगरगढ़ टाइम्स के साथ। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। आप अपडेट रहें अपने क्षेत्र के विश्वसनीय और प्रमाणिक खबरों से। सभी पाठकों के दर्शकों का टाइम्स की विशेष पेशकश आपनो गांव आपनी खबर वीडियो न्यूज बुलेटिन में स्वागत अभिनंदन। आइए देखते हैं आज 31 मई 2020 को हमारे क्षेत्र की खास खबरें। कस्बे के गौरव पथ पर देर रात तेज गति के कारण पलटी कार में 3 सवार घायल। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने शनिवार रात एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई में जब्त की 1,15,000 से अधिक नशीली टेबलेट। कोरोना अपडेट्स में बीकानेर में 2 और पॉजिटिव मिले, वहीं एक महिला की मौत हुई। आज जानेंगे हमारे क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ का गौरव बने 4 युवाओं के बारे में जो कोरोना से फ्रंट फुट पर सीधे दो हाथ कर रहे हैं। महेश्वरी समाज ने आज घर घर महेश नवमी का त्योहार मनाया। ये थे आज के मुख्य समाचार। आइए चर्चा करते हैं खबरों पर विस्तार से। शहर के मुख्य मार्ग पर शनिवार रात करीब 10:15 बजे तेज गति के कारण एक अल्टो कार पलट गई, जिससे कार में सवार अतुल सिखवाल, राहुल सिखवाल तथा एक अन्य को चोटें आई। घटनास्थल पर पहुंचे आसपास के नागरिकों ने पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी और युवकों को चिकित्सालय पहुंचाया। तीनों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया और पुलिस ने तेज गति से वाहन चलाने व लॉकडाउन के शाम 7 बजे बाद घर से बाहर घूमने पर रोक होने के कारण युवकों को पाबंद किया व नियमों की पालना नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए समझाया। रुक करते हैं क्षेत्र में अब बढ़ते हुए अपराधों की ओर। श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने शनिवार रात को नशीली गोलियों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1,15,000 से अधिक प्रतिबंधित गोलियां जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इन गोलियों का बाजार मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव कुचोर अगुणी के निवासी 20 वर्षीय युवक तोड़ाराम पुत्र लीचुराम जाट को गिरफ्तार किया गया है। श्री डूंगरगढ़ थाना अधिकारी की अगुवाई में की गई इस कार्यवाही में गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से बोलेरो गाड़ी और 3 कार्टूनों में प्रतिबंधित दवाइयां पकड़ी गयी। आरोपी को 4 दिन के रिमांड पर लेकर सेरोना थाना अधिकारी गुलाम नबी को जांच सुपुर्द की गई है। थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा की अगुवाई में गश्त पर निकले पुलिस दल ने तेज गति से गाड़ी भगाने पर शक के बिना पर आरोपी का पीछा किया गया तथा रीढ़ी से केयू कल्याण सर जाने वाले कच्चे मार्ग पर करीब 6 किलोमीटर आरोपी का पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया एवं उससे बोलेरो गाड़ी और नशीली गोलियां जब्त की। पुलिस कार्रवाई में आरोपी को जहां पकड़ा गया उस ढाणी के किसान राजेंद्र बनिहारा व लेखराम सिद्ध दोनों पुलिस के सहयोगी बने और दोनों किसानों ने अपने नागरिक कर्तव्य निभाते हुए पुलिस की मदद के लिए गवाह भी बने हैं। इस कार्रवाई में थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा के नेतृत्व में उप निरीक्षक लाल बहादुर मीणा, कांस्टेबल पुनीत कुमार, राम स्वरूप, राकेश कुमार, कमलेश कुमार, अमित कुमार और ड्राइवर राम निवास शामिल रहे। बात करते हैं आज की कोरोना अपडेट्स की। बीकानेर में आज कोरोना का आंकड़ा 2 दिन बाद फिर बढ़ गया है। आज बीकानेर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दोपहर को आई रिपोर्ट में 2 आए पॉजिटिव के साथ अब बीकानेर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 106 पर पहुंच गई है। आज सुबह एक महिला मरीज भर्ती हुई जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आज ही आई और आज शाम से पहले उनकी मृत्यु भी हो गई। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मरने वालों का आंकड़ा 7 हो गया है। आज कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आने वाले 6 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। अब कोविड-19 वार्ड में 46 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 44 बीकानेर के तथा 1 श्री गंगानगर और 1 मरीज नागौर का है। कोरोना के साथ ही राज्य सरकार अब लॉकडाउन को अनलॉक में बदलने की ओर बढ़ते हुए सरकारी गाइडलाइन जारी की, जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की बात कही गई है। बाहर किसी वस्तु को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज करने की सलाह देते हुए सरकार ने गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों और 10 वर्ष से छोटे बच्चों को घरों से नहीं निकलने के निर्देश भी दिए हैं। आज बात करते हैं श्री डूंगरगढ़ का गौरव बने 4 ऐसे योद्धा जो कोरोना से फ्रंट फुट पर सीधे जंग लड़ रहे हैं। ये वीर कोरोना योद्धा जो अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने जिले के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के कोविड-19 वार्ड में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पीबीएम अस्पताल में कोरोना वार्ड में पॉजिटिव मरीजों के साथ ड्यूटी करना, हम सब जानते हैं जान का सर्वाधिक खतरा इनको उठाना पड़ता है, परंतु जॉब प्रोफाइल से बढ़कर मानवता को और किसी की जान बचाने को लेकर इनके दिलों में जो जज्बा है उसे टाइम्स पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से सैल्यूट करती है।
बाना गांव की बेटी मंजू बाना, पुत्री मोटाराम बाना पीबीएम के कोविड 19 वार्ड में पिछले 10 दिन से ड्यूटी दे रही है। मंजू ने टाइम्स को बताया कि कोरोना के मरीज डर जाते हैं, हम उन्हें डरे बिना इस बीमारी का डटकर मुकाबला करने की सलाह देते हैं, उन्हें अच्छा म्यूजिक सुनने और कोई अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं जिससे उन्हें जीवन को जीने की प्रेरणा मिले। वहीं गांव बड़जानसर के जगदीश कालवा पुत्र मांगीलाल कालवा कोरोना वार्ड में सुपरवाइजर के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जगदीश ने टाइम्स को बताया कि सर्वाधिक कोरोना संक्रमण की चपेट में यहां ड्यूटी दे रहे नर्सिंग स्टाफ के आने का खतरा रहता है, परंतु देश के इस संकट काल में हम पीछे नहीं हट सकते और अपनी जान की परवाह किए बिना हमारा स्टाफ कोरोना से फ्रंट फुट पर जंग कर रहा है। वहीं विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र जगदीश सिंह राठौड़ निवासी सोनियासर गोदारन भी पीबीएम में कोविड 19 वार्ड में ड्यूटी निभा रहे हैं। विक्रम के पिता जगदीश राठौड़ गर्व से कहते हैं कि उनका बेटा कोरोना से सीधी जंग में डटा हुआ है। गांव बिग्गा के युवक गंगाराम पुत्र गुमानाराम मेघवाल भी एक मिसाल के रूप में श्री डूंगरगढ़ की ओर से जीवन के रक्षक बनकर कोविड 19 वार्ड में ड्यूटी पर तैनात है और पीबीएम में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के बीच अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माहेश्वरी समाज ने आज घर घर में महेश नवमी का पर्व मनाया। उपखंड क्षेत्र में भगवान महेश की पूजा अर्चना करते हुए समाज को एकजुट होने का आह्वान भी समाज के नेताओं ने ऑनलाइन किया। महेश्वरी समाज महिला समिति ने मेहंदी ड्राइंग व फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन का आयोजन भी ऑनलाइन किया। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स को भी कई प्रवासी महेश्वरी परिवारों के बच्चों ने अपने वीडियो भी बनाकर भेजे। श्री डूंगरगढ़ उपखंड क्षेत्र के सभी समाचारों से जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। आप श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। सादर धन्यवाद, शुभ रात्रि।